Leah? 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 Sir, वो तो गोवा चली गई. गोवा चली गई? कमाल है, वो तो कह रही थी कि नहीं जाएगी. जी, लेकिन फिर अचानक ही चली गई. कमाल है इस लड़की का, जो मन में आए करती है, कुछ समझ में नहीं आता. एक बात बोलूं साहब, आप रिया बेटी की शादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? रिया और शादी, उसे कोई लड़का पसंद आए तब ना. सुबह सुबह कोयल बोले कुक्कू कुक्कू, सुन के सारी दुनिया जागे. तुम भी जागो, भागो भागो, लूटो हंसी नजारों को झट से. रामयो कृष्णयो, धूप भी आई मिलने को. छोड़ो रे सुस्ती को, मस्त होके घर से निकलो. जिंदगी है खूबसूरत, किसका है क्या मोल यारो, जरा समझो. किसकी छवि लग रही है मुझे, कोई लड़की हसीन. सात रंगों की ओढ़ के चुनर ये नई, हाय चली रे चली ये कहाँ को चली. उछल कूद करती ये हवा, पीछा करती है उसका. सर 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 कहती है क्या होगा मतलब उसका. इसे जानो पहचानो, हो जाओगे पल में फिदा. सब तेरे है यहाँ, तू देख प्यार से. और खुशी है यहाँ पे एक कतार से, वो भी तो है यहीं पे. चाहूँ मैं जिसे, वो छिपी है मिलेगी एक दिन मुझे. जाग जाग कर ये तारे किसको तकते रहते हैं. पर्वत से बहते झरने किससे मिलने तरते हैं. इसे जानो पहचानो, हो जाओगे पल में फिदा. सुबह सुबह कोयल बोले कुक्कू, सुन के सारी दुनिया जागे. तुम भी जागो, भागो भागो, लूटो हंसी इन नजारों को झट से.
छोड़ने से पहले एक फोटो ले लूं। हाय, माय नेम इज जय। आपने अपना नाम नहीं बताया, वैसे जगह अच्छी है ना? नहीं, ओके। देखो बात यह है, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, यहाँ खूबसूरत बैकग्राउंड की तलाश में आया था और अचानक आप मिल गई, लेकिन लगता है आप किसी और ही दुनिया में हैं। क्या मैं आपका एक फोटो ले सकता हूँ? नहीं। चलिए, कुछ तो कहा आपने, लेकिन क्यों नहीं ले सकता हूँ? मैंने कहा ना नहीं। क्या है ना, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। अगर इसके बाद और कुछ भी कहा तो कैमरा यहीं से नीचे। हे, नहीं ऐसा मत कीजिए, ये कैमरा ही तो एकमात्र सहारा है जिसके जरिए मैं ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तो वजह होगी आपके ना कहने की। नहीं, आप नो या नहीं के अलावा और कुछ बोलती हैं या नहीं? Go to hell. जाना तो मुझे भी वही है, लेकिन पहले आपकी एक फोटो मिल जाए तो वहाँ कुछ तो अच्छा साथ होगा। You're impossible. आदमी अगर अच्छे मन और लगन से काम करें तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। जैसे आपका फोटो लेना भी। hey! लेकिन पहले जो 15 लिए उसका क्या कर लोगी? Bye, bye. Good morning, everybody. अरे उस जगह क्या हुआ? जी वो गोवा गए हैं बैकग्राउंड पिक्चर्स लाने के लिए। हाँ, लेकिन वो कल आने वाला था, इस आदमी को भरोसा नहीं है। कवर पिक्चर क्या होगा? रामपाल चाय। Tell me. अरे पैसे की फिक्र तुम मत करो, एंजॉय। सर चाय, सर चीनी देख लीजिए ठीक है कि नहीं। सब लोगों को फोन आ रहे हैं, शाहरुख खान को भी फोन आ गया। उसको 200 फोन रोज आते होंगे। अरे मैं उस फोन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भाई लोगों का फोन है। आदमी की मेहनत से पैसे कमाता है और कोई भाई, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमें भी पैसा चाहिए सर। अरे पैसे का झाड़ पे उगते हैं, चाप ना काम करो। अब सर गो। अरे नहीं सिन्हा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे बाबा मैं जरूर मिलूंगा, लंदन में नहीं तो बोस्टन में मिलूंगा। ओके बाय। और कितने दिन लगेंगे वर्मा? सर 20-25 दिन में हो जाएगा। हेलो रिया, कहाँ से बोल रही तुम? बस अभी अभी एयरपोर्ट से निकली हूँ पापा। अरे बिना बताए अकेली कहाँ चले गई थी तुम? मैंने आया को बताया था ना पापा। आया को बताने से क्या होता है, मुझे भी तो फोन कर सकती थी। कमाल है, बिना बताए अकेली चली गई। पापा मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। पापा मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, बस बहस करने की आदत है तुम्हारी। मैं यहाँ कितना परेशान हो रहा था पता है तुम्हें? पापा आप भी बस ना यूं ही मुझको डांटते। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। हद होती है लापरवाही की। अरे तुम पर कभी किसी बात का असर हुआ है क्या? आइंदा कभी। क्या करूं? तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। विस्मित में याद कर रहा है। और तुम? जय। मेरे लिए थैंक्स। विल यू गिव दिस फॉर मी? हां थैंक यू। ना 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 ना। हाय गाइस। हाय रोमियो। यस जूलियट। थैंक यू। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप इस में। मिस नहीं, मिसेस मेहरा। हर बार भूल जाता हूं क्या करूं, देखकर तो नहीं लगता। आप एक्सरसाइज करी है? जी नहीं। तो फिर डाइटिंग? जी नहीं। तो फिर जरूर प्यार का चक्कर होगा। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं नहीं। हाय बड़ी, व्हाट्स अप? नमस्ते मिस्टर कपूर, यहाँ 10 दिनों में सब कुछ बदल गया है सिवाय आपके। सोनिया के होते हुए आप खाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? तुम्हें लड़कियों के अलावा और कुछ सोचता है कि नहीं? मैं तो खूबसूरती का दीवाना हूँ, आप ही बताइए इस ऑफिस में सोने से ज्यादा खूबसूरत कोई है? हेलो एडिटर। तो साहब को टाइम मिल गया। क्या करूं, अच्छे काम में टाइम तो लगता ही है। ऐसे मेरी मैगजीन बंद हो जाएगी, अभी लॉन्च में सिर्फ 4 दिन बचे हैं और भाई साहब अभी तक कवर फुट रहा है और कुछ नहीं पता। ये क्या है? तुम्हारे सब प्रॉब्लम्स का सलूशन। Brilliant. What an angel.
रिया कहाँ है? रिया, यहाँ क्या कर रही हो तू? हैं? चलो उठो, क्या पागलपन हो रही? चलो आओ अंदर आओ। आया तौलिया लाना। क्या कर रही हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सर्दी लग जाती तो? खुद ही गलती करती है, खुद ही नाराज हो जाती है। ले सर पोछ ले, चल। नहीं। अच्छा बाबा मैं पोछ देता, चल बस। ओहो ठहर ना ठहर, आई एम सॉरी, बस गलती मेरी, आइंदा से कुछ नहीं करूं। एक बेटा एक बात बोलो, ये तो तेरा अपना घर है, यहाँ तेरा सब कुछ चल जाए, लेकिन कल को तेरी शादी हो जाएगी तो? कमाल है इस लड़की का, कब किस बात पे नाराज हो जाती है कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ी सी जिद्दी है साहब। थोड़ी? बचपन में एक बार क्या हुआ मालूम? उसने टीवी पर किसी खिलौने का ऐड देख लिया और जिद पर अड़ गई कि यही खिलौना चाहिए। उस वक्त उसकी माँ भी जिंदा थी और उसने मुझसे कहा कि ये खिलौना मंगवा दो। मैंने लाख समझाया कि बेटा ये खिलौना किसी अमेरिकन कंपनी का है, यहाँ नहीं मिलता, लेकिन मानने को तैयार है, बस यही चाहिए। मैं ही जानता हूँ क्या क्या करके मैंने वो खिलौना यहाँ मंगवाया। 3 दिन लग गए और 3 दिन तक उसने खाना तक नहीं खाया, समझी? थोड़ी सी जिद्दी है। या, टेल मी। बिस्बी। द वन एंड ओनली। बहुत अंग्रेजी बोल ले लाए तू। कौन बोल रहे हैं आप? छोटा वकील। छोटा शकील? अबे छोटा शकील का छोटा भाई छोटा वकील। वकील साहब मेरा तो कोई केस नहीं है। ए, मैं तेरा केस बनाएगा। बहुत नोट छाप रही है तू आजकल। नहीं तो आपको किसने कहा? अबे थटेली दूध की चाय, अपन भाई है भाई। भाई दुबई वाले? नहीं दहिसर वाले। दुबई में बड़ा भाई, दहिसर में छोटा। भाई साहब आपको मेरे से क्या चाहिए? अबे पूछ कितना चाहिए। क्या? 10 लाख रुपए। 10 लाख? लेकिन क्यों? तेरे चश्मे में लगकर गोली जब तेरे भेजस निकलेगा तब मालूम पड़ेगा क्यों, समझा क्या? हाँ। और सुन, तेरे ऑफिस में छोकरा है ना रामपाल, पैसा उसके हाथ से भेजना। रामपाल? बरोबर सुना, फोन रख कंचे। तुम ये छोटा वकील को कैसे जानते हो? हा? जानते हो या नहीं? आप क्या बात कर रहे हैं सर? बताओ जी। कैसे? मत पूछिए सर। अरे बताओ ना। आज से 5 साल पहले का बात है सर। हम और वो कौन? छोटा वकील। हम दोनों गांव में साथ साथ पढ़ते थे और हम दोनों एक साथ जनता एक्सप्रेस पकड़कर बंबई आ गए। हम सही रास्ता पकड़े तो आप जैसा देवता मिला हमको और हम यहाँ तक पहुँच गए। वो गलत रास्ता पकड़ा तक क्राइम की दुनिया में पहुँच गया। अब भी हमको कभी कभी याद करता है। आपको उसका याद कैसे आ गया? उसका मुझे फोन आया था। हाँ? 10 लाख रुपए मांग रहा था। काहे? अरे 10 लाख रुपया मांग रहा है आपसे? नरक में जाएगा वो। अब हम तक कहते हैं सर नरक में भी उसको जगह नहीं मिलेगी। उसने मुझे तुम्हें वो पैसे देने को कहा है। हमको? हाँ, अब इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? उसको कुछ काम करने के लिए बोलो ना। ऊपर बैठो। उसको बोलो सर, जो बात कम करता है गोली ज्यादा मारता है। गोली? हाँ, अभी 2-3 दिन पहले का बात है, उसका गोली खत्म हो गया तब उसने एक आदमी को पत्थर से कूट कूट के मार डाला। पत्थर? अरे बहुत ही पत्थर दिल किल्लर है वो। रामपाल तुम मेरे लिए इतना काम नहीं कर सकते। बहुत ही रिक्सी काम है सर। प्लीज रामपाल, देखो अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, प्लीज प्लीज कुछ करो। हमने आपका नमक खाया है सर, हम फुल ट्राई करेंगे। थैंक यू रामपाल, थैंक यू सर। अब जाओ। हाँ हाँ। चाय वाय लेके आऊं? नहीं नहीं। अच्छा नहीं।
तुमने बुलाया मुझे? मैं क्या बोल रहा था? अरे बोलेंगी तुम्हारी ये फोटोग्राफ्स, जस्ट लुक एट देम। और क्या पार्टी ऑर्गेनाइज किया मैंने जय, जस्ट लुक एट दिस इनविटेशंस। और ये देखो गेस्ट की लिस्ट, शहर के सारे वीआईपीज को बुलाया गया है। आफ्टर दिस पार्टी विल बी अ रियल हॉट शॉट फोटोग्राफर। So honored to have you here. How are you, Vispe? Meet my daughter here. Hello. Jaiswal sir. Hi. Main ek minute mein aaya. Excuse me. Hi Sina. How are you? Long time no see. Just while I was taking this picture, this bull attacked me. Excuse me. Yeah, sure. Tum ho kahan? Excuse me. Yaar, tumne to kamaal kar diya. Janta hu. Seedha Jaiswal industry tak pahunchkar mujhe bataya tak nahi. Kaun Jaiswal? Apni cover girl Riya ka baap, Jaiswal. Oh boy. भूल ही गया। Ladies and gentlemen, thank you for being with us this evening. आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अनाउंस करना चाहूंगा the launch of a new fashion magazine. और उसके साथ एक सरप्राइज के लिए रेडी रहिएगा। Ladies and gentlemen, I present Style Today. Gentlemen, our new find, Miss Riya Jaiswal. What a pleasant surprise, Riya. मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हो. Fantastic job. I'm proud of you. और अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस नए चेहरे को डिस्कवर करने वाले फोटोग्राफर से. Ladies and gentlemen, I give you Jay. Thank you. Thank you. Oh. Tell me. क्या हो रहा है चश्मे? पार्टी कर रहा है. कौन है? छोटा वकील. Excuse me. पर सर, मैं तो कहा था कि चुप. साला पुल के लफड़े में रामपाल को डाल रहा है. सर, आपने तो कहा था कोई बात कर रही हो तो हाय। चुप। तूने उसको पैसे कम करने को बोला? नहीं नहीं, वो ऐसा है कि चुप। भैया हमारी माँ बीमार है, मुझसे थोड़ा अर्जेंट बात कर रहे हैं, रुकिए ना भाई। सुन साला, तू उस गरीब छोकरे को यूज कर रहा है। पर भाई इतने पैसे नहीं, डबल मांगता। अपन को 20 लाख मांगता। टाइम पे पैसा नहीं मिला ना तो तेरे को गोली नहीं मारेगा, तेरे को पत्थर मारेगा साला। Fantastic. जय फोटोग्राफर नहीं, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट। उसके देखने का कुछ अंदाज ही निराला है। यू नो, खूबसूरती को पहचानने के लिए भी एक नजर चाहिए होती है। इतने फोटोग्राफर्स, मैगजीन्स वाले, कंपनी एग्जीक्यूटिव्स सारे घेरे हुए थे तुझे। अरे इसने मुझे बताया तक नहीं कि ये मॉडलिंग शुरू करने वाली है। सर, सर, मुबारक हो सर। क्या है? हम आपके लिए छोटा वकील से बात किए। क्या बोला? बहुत डांटा उसको, आखिर में मान गया। मान गया? 50,000 कम कर दिए। 50,000? थैंक यू। हमने आपका नमक खाया है सर। आगे भी कोई काम हो बोलिएगा सर। या, थैंक यू। अब जाऊं? चाय वाय लेके आऊं सर? थैंक यू। क्या हुआ तुझे? क्या बताऊं? कुछ पर्सनल बात है, तुम मुझसे बात कर सकते हो? तुम्हारी वजह से मेरी मैगजीन बंद हो जाएगी। अरे मैंने क्या किया?
आपने रिया की परमिशन के बिना उसकी फोटोग्राफ्स ली थी? तो हाउ कुड यू जय, अब उसने अगले महीने कवर के लिए मना कर दिया है। बस इतनी सी बात, चिल विस्पी चिल, अपना टेंशन कम कर यार, मैं उसे मना लेता हूं, डोंट वरी। इसके अलावा और कुछ करती हैं आप? एनीवे, तो कैसे लगे मेरे फोटोग्राफ्स? माइंड ब्लोइंग है ना? चलो इसी बात पे जय की तरफ से दोस्ती का हाथ। बॉक्सिंग? मुझे किक बॉक्सिंग आती है यार। आउच! लगता है यार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी परमिशन के बगैर मेरे फोटोग्राफ्स ली, उसके ऊपर मैगजीन के कवर पर छाप दी। हाँ, लेकिन इसीलिए थैंक यू बोलने की जगह तुम मुझे मार रही हो। तो क्या एहसान किया है मुझ पर? मैं रिया जायसवाल हूँ, तुम्हारे जैसे 25 फोटोग्राफर्स मेरे पैरों में गिर सकते हैं, अंडरस्टैंड? यू आर राइट, पर मेरे जैसे नहीं। कैमरा को छोड़ो, बात करनी है तो मुझसे करो। तुम लड़की हो इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कुछ बोल नहीं सकता, समझी? तुम होगी कोई जायसवाल अंबानी की बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने समझा भगवान ने तुम्हें अच्छी शक्ल दी है तो थोड़ी अकल भी दी होगी। और हाँ, जिन फोटोग्राफर्स के बारे में तुम बात कर रही हो ना, वो सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से आएंगे। किस बात का घमंड है तुम्हें रिया जायसवाल होने का? जायसवाल हटाकर रिया को देखा है कभी? वही मैंने तुम्हारे फोटोग्राफ्स में दिखाने की कोशिश की है, तुम्हें ये बताया है तुम हो कौन, क्या कर सकती हो। तुम्हें एक नई आइडेंटिटी दी है मैंने, जो बड़े बड़े संत और महात्माओं को मिलने में बरसों लग जाते हैं। अच्छा एक्सप्रेशन था। Are you mad or what? Me? I'm neither mad nor am I bad. लेकिन अगर आपने मेरे साथ फोटो सेशन नहीं किया, then I'll be very sad. और अगर किया, then I'll be very glad. And then you can very well go and tell your dad. पता है, जब आप मुस्कुराती हैं, तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। जी चाहता है आप पे फिदा हो जाओ, सारी दुनिया से अलविदा हो जाओ, लेकिन जाने से पहले आपके साथ 2-4 फोटो सेशन कर जाऊं। मंडे, ओके, ट्यूसडे प्लीज, ओके ओके ओके, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वैसे संडे को भी काम करता हूं मैं। मंडे, क्या मंडे? ये मंडे, ये वो, यस यस, नो, थैंक यू। टू 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 टू, क्या क्या हुआ? ऐसे करते ना वो लोग। कौन? मॉडल्स। मैंने कहा मॉडल बनने को। क्या क्या करना है फिर? तुम जैसी हो वैसी रहो, तुम मुझे वैसे ही पसंद हो। कमबख्त इश्क, होल्ड इट, यस यू गॉट इट, यू आर गॉर्जियस, सारा जहां, कम ऑन, ब्यूटीफुल। कब आता है, कब जाता है, पर रहता है जब तक ये गम वक्त जन्नत दिखाता है। Excuse me. अभी तो समझाया तुम्हें। एक काम करो, तुम यहाँ दिखाओ। आओ दिखाओ। थैंक्स। शो मी व्हाट टू डू। मैं चाहता हूँ कि
तुम ऐसी खड़ी रहो लुक इन द कैमरा एंड पाउट पाउट ठीक है ओके यस समझी यस ओके कैमरा दो यस कम बख्त इश्क है जो सारा जहां है तक ये कम वक्त जन्नत दिखाता है या Hats off to you, gorgeous. Oh, Jay. 5 minutes में स्टूडियो पहुंच सकती हो? 5 minutes? चाहता है जिंदगी भर तुम्हारी खूबसूरती को देखता रहूं रेडी या रिया अगर हम ऐसा करें यहां देखो यस होल्ड इट ग्रेट सुपर यप यू आर ब्यूटीफुल चिन अप चिन अप जो हुक्म मेरे आका दिल दिल में बसा है ऐसे पत्थर पे लकीरें जैसे इससे बचना है मुश्किल बचना चाहे तो कैसे ये नहीं चोरिया ये वाला नाम तेरे आउच तुम मेरी बात ही नहीं सुनते दिस इज रियली नाइस व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस वन मैगजीन बात ही नहीं सुनते मैं तुमसे बात ही नहीं करती एंगल इज नॉट राइट दिल दिल में बसा है ऐसे पत्थर में लकीरें जैसे इससे बचना है मुश्किल बचना चाहे तो कैसे अशरुख को और डाकर दे सालों से यहाँ रहता है हर कोई इसे करता है Hold it. इससे छुपना है मुश्किल इसमें न कोई पर्दा है The name for it. Yep. Bye. See you people. Bye. Let's go. Hey Jay, यहाँ ना. क्या? देखो यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है. Wow, बहुत अच्छा लग रहा है. अब चलें. Hey. Hey. थोड़ी देर रुक जाते हैं ना. कल. रिया, आप यहाँ खुशी से बैठो. मुझे काम पे जाना है. Bye. Jay, Jay please. रिया, विस्पी मेरा इंतजार कर रहा है. I really have to go. Jay, Jay अगर तुम नहीं आए तो मैं ऐसे कूद जाऊँगी. Brilliant idea. Please be my guest. तुम्हें लगता है मैं नहीं कूदूंगी? देखें. तुम्हें तो पागलखाने में होना चाहिए था. चलो. क्या किस्मत होगी उसकी किसकी जिसे तुम्हारी शादी होगी
थरेंग पापा। तुम कब आई? बस अभी अभी आ रही हूँ पापा। अरे ऐसे कैसे आ गई? एयरपोर्ट से फोन कर दिया होता, गाड़ी भेजते तो थे। क्या हुआ? वो सब छोड़िए, ये मैंने आपके लिए लाया है। अच्छा है? अच्छा? देखिए ना, बहुत अच्छा है। रियली बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा टूर कैसा रहा? बहुत अच्छा पापा, बहुत ही अच्छा रहा। क्या क्या किया वहाँ? बस फोटोग्राफी फोटोग्राफी और फोटोग्राफी। तुमने एक गिफ्ट मांगा था ना? गिफ्ट? मैंने कब गिफ्ट मांगा था? परसों किसका जन्मदिन है? यस! यस! ओह, पर मुझे कुछ लोगों को बुलाना भी पड़ेगा। ओके। शीतल, वो रामपाल कहाँ है? सर वो जो छत पे शूटिंग हो रही है ना, वो वहाँ पर है। ओह, थैंक यू। पैसे वकील साहब को पहुंचाने हैं। हाँ पहुंचा देंगे, आज चाय काफी सब पहुंचा देंगे। उनको रिक्वेस्ट करना कि प्लीज और तंग ना करें और फोन ना करें। हम सर उसको पूरी तरह समझाएंगे। हमने आपका नमक खाया है और आज वो टाइम आ गया है कि आपका कर्ज उतार दे। ये रख, ये बिस्कोना नहीं। हाँ सर, आप चिंता मत कीजिए, इसको अपना पैसा समझ ख्याल रखूंगा, सही मुकाम तक पहुँचा दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। अब जाओ। हाँ चाय वाय लेके आऊँ? अरे नहीं यार। हाय रिया। हाय। बोलिए, ये बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? आज शाम को क्या कर रहे हो? आज हाँ याद आया, वो मॉडल है ना, उसके साथ आज शाम को चांदनी रात में डेट है। तो फिर जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. तुम्हें कैसे पता? हम जिसे चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं। आपने ना भी बुलाया होता तो भी हम आते। 8 बजे 7:30 तुम आ गए। रिया कहाँ है? There she is. Happy birthday to you. पापा, मेरा गिफ्ट आ गया पापा। कभी बोला? Thanks पापा। अरे डैड को क्या थैंक यू बोलना है? तो चले केक काटे। 8 बजे 7:30 Hi, thank you so much. क्या हो रहा है? हैप्पी बर्थडे। 7:30 बज गए। कुछ ढूंढते ढूंढते लेट हो गया। क्या? ऐसे ही कुछ। क्या? आज के दिन मैं तुम्हें कुछ स्पेशल देना चाहता था, जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो।
रामपाल ये क्या है? हमारा बोरिया बिस्तर सर। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह से ऑफिस में? अब हमको नौकरी करने कतई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नौकरी तो अपने दादाजी के लिए कर रहे थे, अब दादाजी ही नहीं रहेंगे तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? क्यों, दादाजी को क्या हो गया? उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनका रामनाम कभी भी सत्य हो सकता है। घर पर दादी अकेली है और हम ही उनके आखिरी सहारा है। अच्छा अच्छा, पर तुम गांव में करोगे क्या? सर भूख लगेगी तो आम के पेड़ के ऊपर चढ़कर अमियां खा लेंगे, प्यास लगी तो कुआं से पानी पी लेंगे, नींद लगी तो पीपल के पेड़ के नीचे सो लेंगे, और आपका याद आया तो चुपचाप अकेले में रो लेंगे। रामपाल जो तुमने मेरे लिए किया है वो, सुनो ये कुछ पैसे रख लो। और कितना देंगे आप? अरे मैंने तुम्हें दिया ही क्या है? आपको मालूम नहीं आपने बहुत दिया है सर। सर हम चलते हैं, अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ करिएगा। अरे नहीं नहीं, चाय लाऊं सर? नहीं नहीं, थैंक यू, थैंक यू सर। पापा, पैसे चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए। कुछ और चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए। बोलो। पापा मैं क्या बोलूँ, वो आप ही बोल रहे थे ना। वो मैं क्या बोल रहा था? नहीं मतलब अभी नहीं, लेकिन मतलब आप बोल रहे थे ना हमेशा कि रिया शादी कर ले। वो तो कोई गलत बोल रहा था? नहीं नहीं गलत नहीं बोल रहे थे। फिर ना पापा आप हर बात को जो खींच तान के बस मतलब। अरे कौन सी बात को खींच रहा हूँ मैं? वो नहीं, एक्चुअली बात वो सब नहीं है, मुझे मिलाना है आपको किसी से। कौन है वो? वे फ्रेंड है मेरा। रिया अगर वो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें पसंद है तो मुझे और क्या चाहिए? हाँ आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। कब मिला रही हूं? हेलो। हाय जय। हाय रिया। देखो जय, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। ऐसे फोन पे थोड़ी। वैसे तो हम स्टूडियो में मिल ही रहे हैं ना? नहीं, अभी आमने सामने। ओके, घर आ जाओ। घर कहाँ है तुम्हारा? एक मिनट। 102। एक मिनट। या बोलो। 102 सुमित बिल्डिंग लोखंडवाला। गॉट इट, बाय।
प्यार तूने क्या किया, ए प्यार तूने क्या किया। गीता हूँ। हाय। कम इन, कम कम। या क्या लोगे तुम, चाय कॉफी? नो नो नथिंग, आई एम फाइन थैंक यू। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो जय जय को बुलाती हूँ। बैठो ना। जय जल्दी आना, रिया आ गई है। यस कमिंग। आज हमारी काम वाली नहीं आई, ये लोग पता है ना बिना बताए छुट्टी ले लेते हैं, सारा काम मुझे करना पड़ा। झूठ झूठ झूठ, सारे बर्तन मैंने धोए थे। हाय रिया। हाय। वैसे तुम दोनों मिल चुके हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से तुम दोनों का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। रिया, दिस इज गीता माय वाइफ, एंड दैट इज रिया माय गर्लफ्रेंड। हमारी शादी को अब एक साल हो गया है, लेकिन अभी भी इसे लगता है कि ये बैचलर है। वो तो तुमने फंसा लिया, मैं तो बैचलर ही रहता। तुम्हारी खूबसूरत मॉडल्स को देखने से फुर्सत मिलती होगी तब ना। जान, तुम सबसे खूबसूरत हो। मालूम है, यही बात तुम हर एक लड़की को कहते होगे। हर एक से नहीं, लेकिन है एक। कौन है? बस है एक। कौन? सच में बता दो। हाँ। सुन सकोगी? Thank you.
यही प्लान था, बड़ा घर मिलते ही गीता को बुलाऊंगा, तो गीता भी आ गई है उसी चक्कर में, यू नो हाउ इट इज। अच्छा अच्छा अच्छा, अब एक बात बता यार। हाँ, तो एजेंसी वालों, क्या बताऊं, तो क्या प्लान कर रहा है नेक्स्ट? इस बार मैंने सोचा है कुछ नया ट्राई करूं, सिर्फ रिया की खूबसूरती को हाईलाइट करना है, नो मेकअप, ऑल नेचुरल, उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसके बाल, याद है वो रेफरेंस शो? आई ट्रस्ट यू ऑन दैट। अब मैं निकलता हूं, सी यू लेटर। हेलो प्रिया, सिद्धार्थ लैब से फोटो आए? आ गए सर। अरे तो मुझे कब दिखाओगे? हेलो सर। हेलो जी जी सर, रिया जी का मैसेज आपके लिए। हाँ क्या बोली? बुलाया आपको सर। कहाँ पर? जब सूरज शाम को बाय बाय करते हुए जाता है तो कितना रोमांटिक लगता है, और जब दुनिया की सबसे हसीन और खूबसूरत लड़की ऐसे में साथ हो तो रिहत क्या हुआ? तुमने अपनी शादी की बात मुझसे क्यों छुपाई जाए? शादी? रिया मैं खुद समझा नहीं। इतने दिनों से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं जाए, तुमने एक बार भी ये बात मुझसे क्यों नहीं बताई? लेकिन ये अचानक शादी की बात क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं मालूम क्यों कर रही हो? नहीं जय, क्या तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? जय प्यार? ये क्या कह रही हो तुम रिया? तो क्या तुम्हें कभी मालूम ही नहीं था जय? मुझे कैसे पता चलता? तुमने कुछ कहा भी नहीं। रिया रो मत, रिया मेरी मेरी बात सुनो रिया, प्लीज ऐसा मत करो। अनजाने में अगर मेरी वजह से तुम्हें ऐसा लगने लगा, then I'm really sorry। जय, जय क्या इसका मतलब है? तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया जय, कभी मुझसे प्यार नहीं किया। रिया, रिया प्यार मैं अभी भी तुमसे करता हूँ। तुम्हारी जैसी लड़की से कौन प्यार करना नहीं चाहेगा? तुम्हारी जैसी लड़की मिलने के लिए किस्मत चाहिए? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे प्यार कर सकती हो। और अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो इस वक्त मैं खुशी से लेकिन लेकिन रिया मेरी शादी हो चुकी है, और अब इन सब बातों का क्या मतलब है? रिया, प्लीज रो मत। चले जाओ, चले जाओ, जस्ट गो। रिया, प्लीज ऐसा मत करो। जस्ट गो। क्या बात है जय? इतने दिन से उसके दिमाग में ये सब चल रहा है और तुम्हें पता तक नहीं चला? अरे मुझे कैसे? हाँ मजाक वजाक करता रहता था उसके साथ, जो मैं हर मॉडल के साथ करता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि हद होती है हर चीज की। अब क्या? अब क्या खत्म हो गया? समझ जाएगी वो, हंसने बोलने का ये मतलब थोड़ी होता है। अब तो खत्म हो गया है, लेकिन आगे क्या? क्या मतलब? आगे जाके और कोई रिया पिया मिल गई तो और एक कहानी। नहीं भैया, अब तो मुझे सबक मिल गया, अब तो हर लड़की को दूर से राम राम। अच्छा सुनो सुनो सुनो, दुनिया की सारी जवान और खूबसूरत लड़कियों सुनो, मुझे तुम सबसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ गीता से प्यार करता हूँ। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार जितना समुद्र में पानी नहीं है। बस करो। रोंदे हैं मुझको तेरा प्यार।
मैंने रिया से झूठ बोला। क्या? मैंने कहा कि अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं उसे प्यार करता। पर क्यों? मेरे झूठ बोलने से अगर उसे कुछ खुशी मिल गई तो इसमें मेरा क्या गया? बोल रही हूँ। रिया, इस वक्त कहाँ से बात कर रही हो तुम? तुम्हारी स्टूडियो के छत से। छत से? वहाँ क्या कर रही हो? बहुत सोचा जय, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए मैं यहाँ से कूद रही हूँ। क्या? नहीं रिया, नहीं रिया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। रिया तुम वही रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? वो स्टूडियो की छत से कूद रही है। तुमसे कह चुकी हूँ जय, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। अगर तुम नहीं मिले तो क्या जान दे दोगी? उससे क्या मिलेगा रिया? इसमें मिलने की क्या बात है? तुम नहीं मिले तो रिया, प्लीज स्टॉप इट, प्लीज फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। बच्चों की तरह बात मत करो। रिया क्या कमी है तुम्हें? खूबसूरत हो, जवान हो। अरे मैं क्या, मेरे से कई अच्छे लड़के मिलेंगे तुम्हें और उनमें से किसी के साथ तुम बहुत खुशी की जिंदगी जी सकती हो। नहीं मांगे तुम्हारी, जाओ यहाँ से। रिया, नहीं। रिया ये क्या कर रही है तुम? मेरा हाथ, रिया, मैं मर जाना चाहती हूँ। नहीं रिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। रिया मेरी बात सुनो। रिया प्लीज, रिया क्या कर रही हो तुम? होश में आओ। क्या फर्क पड़ता है जाए? रिया छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम अपनी जान दे दोगी तो मैं खुशी से जी पाऊंगा। रिया क्या हो गया तुम्हें? रिया क्यों नहीं देते मुझे? क्यों नहीं मरने देते? क्यों नहीं देते? छोड़ मुझे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या बताऊं? मेरी शादी हो चुकी है लेकिन इससे हमारे बीच कुछ बदला नहीं तो मैं यहां आधी रात होकर क्यों आता? रिया क्यों आता मैं?
तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, और मैं रिया, मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ। आइंदा ऐसा मत करना। बहुत प्यार करते हो ना तुम मुझसे, चाय बहुत प्यार करते हो ना। आई एम सॉरी जो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। रिया तुम्हारा घर आ गया है। मुझे नहीं जाना, आज बस यही रहना है तुम्हारे साथ। घर पे गीता परेशान हो रही होगी। पुलिस को फोन करो। पुलिस? और नहीं तो क्या? What's this nonsense? पुलिस क्यों गीता? अरे क्यों क्या मतलब? लोग यहाँ आधी आधी रात को हमें मरने की धमकियाँ दे रहे हैं और तुम कह रहे हो पुलिस क्यों? गीता पागल है वो। वो पागल है या नहीं है हमें क्या लेना देना? अरे लड़की है वो, अगर हम पुलिस को बताएंगे तो सुबह तक सारे शहर को पता चल जाएगा, फ्यूचर खराब होगा उसका। तो और क्या करोगे जय? रोज रात उठकर उसे बचाने भागोगे? मुझे नहीं पता, सोच लूंगा कुछ। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, प्लीज पुलिस को फोन करो। इनफ, नहीं तो मैं कर रही हूँ। ये बेवकूफ जैसी बातें बात करो तो क्या मतलब? और क्या है ये जय? मैं? तुम बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो। तुम्हें ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, मेरी प्रॉब्लम है, सुलझा लूंगा मैं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है? हाँ मेरी प्रॉब्लम है, प्लीज सोचने दो मुझे। समझने की कोशिश करो, ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं? आज उसे जिस हाल में देखा, अगर तुम देखती तो तुम भी बिना सोचे समझे कुछ करने से पता नहीं क्या हो जाए। तुम समझ रही हो ना गीता? अब जो भी करना होगा मुझे बहुत सोचकर करना होगा, और ऐसे में अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो और कौन देगा? I'm sorry. चलो कहीं बाहर चलते हैं।
और लंच बाहर जाके खाते। साहब वो रिया क्या हुआ? वो कल रात को वो बहुत लेट घर आई थी। तो गई होगी कहीं अपने दोस्तों के साथ। हाँ लेकिन आजकल रिया बेटी पता नहीं। गीता हम लेट हो रहे हैं। दो मिनट जाए। माय लव पिछले आधे घंटे से सुन रहा हूँ। दो मिनट और कितना टाइम लगेगा? अच्छा बस एक और मिनट। गीता हमें कितनी जगह जाना है? तुम्हें शॉपिंग करनी है, फिर एग्जीबिशन, फिर पिक्चर के टिकट भी लेने हैं ना। कैसी लग रही हो जाए? हॉट। चले आज का प्रोग्राम कैंसिल करें? जय के बच्चे। चलो हेलो। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी जय। आई रियली प्रॉमिस दोबारा ऐसा कभी मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। पता नहीं मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। बस क्या हम दोस्त रह सकते? मैंने कब कहा हम दोस्त नहीं रह सकते? हम दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। क्या मैं बस बात कर सकती हूँ तुमसे कभी कभी? क्या हो गया तुम्हें रिया? ऑफ कोर्स बात कर सकती हो। अभी कर सकती हूँ? नहीं रिया अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ठीक है? हाँ, 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 ओके, ओके। रिया, सब ठीक है? या, ओके। तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ पापा, आई एम ओके, मुझे क्या होगा? अच्छा क्या हुआ उसका? तू मिलाने वाली थी ना उससे? किससे? अरे तू कह रही थी ना उससे। जरूरत नहीं है। क्या बात है बेटी, कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया? कमाल है, अरे उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही है भाई? दे दिया प्यार तेरा जो साथिया, मानो जैसे मिल गया है जन्नत का रास्ता। मैं चलती थी रास्ते एक मंजिल के वास्ते, तुझसे मिलके यूं लगा जाना मुझको है कहां। हम दोनों को मिलना था जाना, प्यार यूं ही ये खिलना था जाना। खुदा ने दे दिया प्यार तेरा जो साथिया, मानो जैसे मिल गया है जन्नत का रास्ता। संग तेरे बिताऊं मैं हर खुशी, अब से यही से तेरा नाम मेरी सुबह से न जाए। जो तू ना रहे तो मेरी जान जाए। मुझको खुदा ने दे दिया प्यार तेरा जो साथिया, मानो जैसे मिल गया है जन्नत का रास्ता। मैं चलती थी रास्ते मंदिर के वास्ते, तुझसे मिलके यूं लगा जाना मुझको है कहां।
फासले हो रहे हैं कम जाने मन बस एक पल में एक जा बन गए हैं ये दो बदन बस एक पल में ये जो भी नशा को खुदा ने दे दिया प्यार तेरा जो साथिया मानो जैसे मिल गया है जन्नत का रास्ता मैं चलती थी रास्ते एक मंजिल के वास्ते तुझसे मिलके यूं लगा मंजिल मेरी है यहाँ हेलो 200 बार फोन कर चुकी हूँ रिया 5 घंटे से इंतजार कर रही हो तुमने तो कहा था कि थोड़ी देर में फोन करने वाले हो हाँ लेकिन मैं घर पे नहीं था और थोड़ी देर का ये मतलब तो नहीं कि मैं तुम्हें तुरंत तुमने कहा था कि नहीं तुमने कहा था कि नहीं जाए रिया मेरा मतलब था क्या मतलब था तुम्हारा जय क्या मतलब था क्यों फोन दे क्या मुझे इतनी देर से मैं इंतजार किए जा रही हूँ एक फोन कहा तो मैंने चाहिए बात करो मेरे साथ ये क्या हाँ अब रो मत रिया मैं तुम्हें फोन करने वाला था प्लीज चुप हो जाओ एक फोन के लिए इंतजार करो हम बात कर रहे हैं ना प्लीज रो मत प्लीज मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था गुड मॉर्निंग जयसवाल साहब विस्पी है हां विस्पी बोलो सर वो अपनी पार्टी के लिए रिमाइंड कर रहा था हां तुम्हारा इनविटेशन मिला मुझे मैं आऊंगा जरूर आऊंगा और हां रिया को भी साथ लाइएगा ओह श्योर थैंक्स अ लॉट सर सी यू हेलो क्या मैं जय से बात कर सकती हूं आप कौन रिया नहीं वो सो रहा है तो जगा दीजिए उसे सॉरी मैं नहीं जगा सकती हूँ उसे लेकिन उसने मुझे कहा है सुबह में फोन करने को मैंने एक बार कहा ना मैं उसे नहीं जगा सकती हूँ अरे आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं मुझे मुझे कैसे बात करनी चाहिए तुमसे सीखना पड़ेगा देखो तुम एक बात सुन लो यहाँ दोबारा फोन करने की कोई जरूरत नहीं है समझ लिया बिच क्या हुआ क्यों चिल्ला रही हो मैंने उसे बोल दिया है जय कि दोबारा यहाँ फोन ना करे किसे वही रिया क्यों की तुमने उसे ऐसी बात इतनी मुश्किल से मानी थी वो अब फिर सब वही का वही फिर से मनाना पड़ेगा उसे बहुत हो गया उसे मनाना बनाना आजकल उसी की चिंता पड़ी रहती है तुम्हें क्या जरूरत है उसे मनाने की बोलो क्या जरूरत है मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो मैंने किया रिया को फोन बहुत हो चुका अब इसके आगे मुझे इस घर में उसका नाम उसका फोन उसकी बातें कुछ नहीं सुनना है जब देखो रिया 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 रिया
तुम बोलो तो फोन को फेंक दूं? अब चुप क्यों? जवाब तो दो। नहीं बोल यार बोल। Elvis, what is this? Come on, young man, have a drink. This is party time. Ooh, somebody's looking gorgeous. Thank you. अरे फिर से कौन बात कर रहा है? गीता से बात कर रहा हूँ। Welcome. Come on, welcome to the party. Come on, have fun. ड्रिंक लाऊं तुम्हारे लिए? तुम अपने लिए ड्रिंक लेने बार में जा रहे हो। मेरे सॉफ्ट ड्रिंक का तो बस बहाना है। हे कम ऑन, मैं तुमसे क्यों बहाने बनाऊंगा? जय हाय। ओ हाय, कैसी लग रही हो मैं इस ड्रेस में? नाइस नाइस नाइस। भूल गए ना तुम? भूल गए ये ड्रेस? जब हम लोग बारिश में भीगे थे, याद है? याद आया। मैंने सुबह फोन किया था तुमको, गीता ने मुझे बात ही नहीं करनी थी तुमसे। ड्रिंक लेने जा रहे हो? चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अभी नहीं है। एक कम ऑन, एक पांच मिनट में आते हैं ना। रिया, only 5 minutes. रिया, मेरे कुछ मी। रिया, मेरे कुछ दोस्त वेट कर रहे हैं। जल्दी से। रिया, प्लीज, मैं बाद में आती हूँ। It's okay. रिया, प्लीज, मेरे को किसी से भी मिलना है। बात तो जय। I'll see you later, यार। Bye. क्या हो रहा है अपने? ये जय कहाँ है? आएगा। हेलो सर। Hi, how are you? Sir, my wife. Hi. अगर तुम उस बात से नाराज हो जो रिया ने पार्टी में कही थी, तो मैं बता देता हूं कि वहां 10 लोग और भी थे। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे हम दोनों के अलावा और कोई था ही नहीं। गीता, आप क्या सोच रही हो? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? गीता, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सचमुच कुछ नहीं है तुम दोनों के बीच में? क्या मतलब है तुम्हारा? कोई लड़की बिना किसी वजह के इस हद तक क्यों जाएगी? तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुमने मुझे क्यों नहीं बताई थी ये बात? अरे कौन सी बात? यही बारिश में तुम दोनों अकेले, वो जो कह रही थी। अभी तो बताया कि हम अकेले नहीं थे, वहाँ हमारे साथ 10 और लोग भी थे। लेकिन पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? अरे क्या नहीं बताया गीता? फोटोग्राफर हूँ मैं, दिन में 100 लड़कियों से मिलता हूँ, क्या अभी मैं सबके बारे में बताऊँ? मैं उन 100 लड़कियों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं उस एक लड़की के बारे में बोल रही हूँ जो बारिश में तुम्हारे साथ। उसकी बात सच मानती हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो इसका और क्या मतलब हो सकता है? बोलो, इसका और क्या मतलब हो सकता है? गीता बोलो मुझे, और क्या मतलब है? जय, आज तक मैं समझती थी कि मैं तुम्हें जानती हूँ, पर ये सब होने के बाद अब पता नहीं मैं क्या सोचूं, क्या समझूं। अब कुछ सोचने और समझने की कोई जरूरत नहीं। इतने सालों बाद अगर तुम एक पागल लड़की की वजह से मुझ पे शक कर सकती हो, तो अब हमारे बीच कहने सुने को कुछ रह नहीं जाता। तो फिर मैं क्यों रह रही हूँ यहाँ पे? मत रहो, जाओ यहाँ से। जाए। Thank you.
आई एम रियली सॉरी, उससे नहीं पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया तुम्हें, मुझे प्लीज माफ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे बगैर रिया, बहुत हो गया, बस बंद करो आप, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है रिया। तुम्हें मैं एक बार नहीं 100 बार समझा चुका हूँ, तुम्हारे और मेरे बीच ना कुछ है और ना कुछ हो सकता है, मेरी शादी हो चुकी है रिया। देखो मैंने बहुत बर्दाश्त किया है और अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो तुम सुन रही हो, तुम समझ रही हो, छोड़ो मुझे रिया। मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं, क्या हो गया है तुम्हें, हाँ बताओ मुझे किस तरह से समझाऊं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती जय, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती जय, आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे जय, बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुमने तो कहा है मुझसे कितनी बार जय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे समझाने का मौका दो प्लीज, प्लीज मुझे कुछ नहीं समझना, तुम मुझे प्लीज मुझे समझाने का, ऐसा कुछ नहीं हुआ गीता, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, नहीं गीता मैं, तुम्हें जो करना है करो, मेरी बात सुनो गीता, प्लीज प्लीज पागल है वो, नहीं गीता रुको, प्लीज गीता, Oh God, Gita, I'm sorry, Gita, Gita, I'm so sorry, कुछ नहीं हुआ, चलो, तुम्हें कुछ नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी वही सोचता जो तुम सोच रही हो, लेकिन मैं कैसे समझाऊं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे लिए तुमसे जरूरी और कोई नहीं है, मुझ पर प्लीज भरोसा करो गीता, मुझे सिर्फ एक मौका दो प्लीज, आई लव यू, मैंने फैसला कर लिया है, एक ही तरीका है उससे बचने का, हम ये शहर ही छोड़ देंगे, क्योंकि उसकी हालत ऐसी है कि जब तक मैं उसके सामने रहूंगा वो मुझे भूल नहीं पाएगी, कुछ ना कुछ करती रहेगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, हाँ ये मिस्टर जय, बैठिए बैठिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मामूली सी चोटें हैं, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं और ये दवाइयां वक्त से देते रहिएगा। मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों के बारे में इस तरह पता चले तुम्हें, लेकिन अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ तुम्हारे सामने है बस, पर देखो हम दोनों ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, पता नहीं कैसे मैं और जय हमेशा बस पहले दिन से एक दूसरे के
तुम समझ रही हो ना गीता, मेरा मतलब है हम दोनों इतने इतने नजदीक आ चुके हैं एक दूसरे के कि मुझे नहीं लगता कि वो बेचारा मेरे बगैर रह सकता है। वो दिन भर फोन करता रहता है मुझे, मैं एक दिन ना मिलूं तो परेशान हो जाता है, तुम्हें कुछ नहीं कह पा रहा साफ साफ, लेकिन बेचारा मेरे पास आके कहता है मुझे, मेरे पास आके कहता है कि क्या क्या करूं मेरे यार, या मैं इस औरत के साथ मैं क्या करूं। तुम समझ रही हो ना। देखो 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 गीता, तुम भी जानती हो कि इस सब का क्या होने वाला है। तुम्हें पता है कोई कोई खुश नहीं है अब हम तीनों में से, तो तुम चली क्यों नहीं जाती हम दोनों की जिंदगी में से, समझ रही हो ना तुम। देखो कम से कम मैं और जय खुश रह पाएंगे। कह लिया जो भी कहना था, अब मेरी भी एक बात सुन लो। जय मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करता है, और ये बात तुम किसी भी हालत में बदल नहीं सकती। अब चली जाओ यहां से, जस्ट गेट आउट। यहां क्या कर रही हो तुम? वही जो अब तक कर रही थी। रिया, मैंने तुमसे कहा था ना। जय से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या कहा डॉक्टर ने? हम जा सकते हैं। ये यहां क्या कर रही थी? छोड़ो उसकी बातों को, जरा वो शॉल दे दो। जय तू बिल्कुल पागल हो गया है। अरे जिस करियर के लिए तूने इतनी मेहनत की, इतना इंतजार किया, अब जब वो सामने खड़ा है तो उसे छोड़कर क्यों जाना चाह रहा है? मैंने कहा ना मैं नहीं बता सकता। सॉरी। देख जय, किसी नए शहर में लाइफ फिर से शुरू करनी पड़ेगी, एंड इट वॉन्ट बी इजी। प्लीज मुझे अपना प्रॉब्लम बता, शायद मैं हेल्प कर सकूं। सॉरी विस्पी, मैं नहीं रह सकता। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, थैंक यू। गीता तुम क्यों उठा रही हो उसे? लाओ मैं रख देता हूं, ये रख देना। हेलो जय, फोन मत काटना प्लीज। देखो मैं जानती हूँ तुम शहर छोड़ के जा रहे हो मेरी वजह से, एक बार मुझसे मिल सकते हो तुम जय? देखो प्लीज जय, आखिरी बार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ जय, प्लीज। नहीं रिया, देखो आज तक हर बात मानी है मैंने तुम्हारी, हर बात, ये मॉडलिंग, फोटो सेशंस, ये वो सब कुछ मैं तो नहीं चाहती थी ना, ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए, और आज आज वक्त यहाँ तक आ चुका है कि तुम एक बार मुझसे मिल नहीं सकते जय। देखो देखो मैं जानती हूँ कि तुम मेरे नहीं हो सकते जय, कभी नहीं हो सकते, इसलिए चाहती हूँ कि एक बार मुझसे मिलो जय। तुम्हारी सारी जिंदगी से सिर्फ 10 मिनट मांग रही हूँ मैं जय, प्लीज जय। ठीक है इंतजार करूंगी तुम्हारा जब। थैंक्स। हेलो साहब, मैं आया बोल रही हूँ। हाँ बोलो क्या बात है? साहब मुझे लग रहा है कि उस कमीने ने जरूर रिया के साथ कुछ गलत कर दिया। किसकी बात कर रही हो तुम? मैं जय की बात कर रही हूँ साहब, वो बहुत रो रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत गलत हो गया है साहब। मैंने तय किया है गीता, जाकर उसके डैडी को सब कुछ बता दूंगा, वो मेरी बात पर विश्वास करे ना करे मुझे कोई परवाह नहीं, इसके बाद वो जाने और उसकी बेटी। वो मुझे मिलने स्टूडियो गई है, मैं उसके घर जा रहा हूं।
हेलो विस्पी, मैं जयसवाल बोल रहा हूँ। मॉर्निंग सर, बोलिए। वो तुम्हारा एक फ्रेंड था ना, क्या नाम है उसका, जय फोटोग्राफर, कहाँ है वो? जॉब छोड़ चुका है। क्या? जी हाँ, वो तो शहर भी छोड़ने वाला है। उसका एड्रेस क्या है? जयसवाल है? नहीं है, पर आते ही होंगे। मैं इंतजार करता हूं। जय बोल रहा हूँ। हाँ क्या? जस्ट होल्ड ऑन जय, एक मिनट। था मैंने तुमको कि मत आओ हम दोनों के बीच, पर तुमने सुनी नहीं बात मेरी। मैं बार 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 बोलती रही कि मत करो ऐसा, मत। बात सुनी नहीं क्यों मेरी तुमने? क्या नहीं सुन रही? क्या नहीं सुन रही? क्या नहीं सुन रही? क्या नहीं तुम पागल हो गई? मैं पागल हो गई? क्यों नहीं बात सुनी? मेरे छोड़ो नहीं। पागल हो गई रिया? एक मिनट ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने से तुम्हें जय मिल जाएगा? वो तुमसे नफरत करेगा। नफरत नहीं, वो कभी भी नहीं कर सकता मुझसे। तुम उसे प्यार कितना करता है वो तुम्हें समझती हो नहीं? तुम समझती हो रिया? जब तुम जय को जानती भी नहीं थी तब से वो मुझे प्यार करता है। झूठ, फिर से झूठ बोल रही हो तुम, फिर से झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। शक्ल देखी है तुमने अपनी? शक्ल नहीं, 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 नहीं। शक्ल देखी है तुमने अपनी? शक्ल देखी है तुमने अपनी? जब यही कहता है कि सिर्फ उन चीजों के लिए जिया करो जो मिल सकती है, और तेरी जिंदगी में कुछ नहीं रखा है गीता, तेरी जिंदगी में आपको। रिया, रिया, जय, जय, रिया, ये क्या कर रही हो तुम? इसे मरना होगा जय। हम तुम रुको रिया, नहीं रिया, के लिए जय, नहीं रिया, रिया, रिया चाकू छोड़ दो, छोड़ दो चाकू। जब तक ये जिंदा रहेगी तुम कभी नहीं हो सकते जय। मैं तुम्हारा और इंतजार नहीं कर सकती। रिया, मैं छोड़ रहा हूँ उसको। रिया, मैं छोड़ रहा हूँ उसको, मैं छोड़ रहा हूँ उसको। रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे अब तक इस बात का एहसास नहीं था। यही बात मैं तुमसे कहने के लिए स्टूडियो गया था। हाँ रिया, हाँ ये सच है। चाकू नीचे रखो। रिया मेरी माँ, रिया ये मेरे लिए कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है मेरे लिए, मैं छोड़ रहा हूँ उसे। ये कुछ नहीं है मेरे लिए। मेरी बात सुनो रिया, इसे इसे मारने से कोई फायदा नहीं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी रिया। हाँ अब हम साथ होंगे, अभी हमारे बीच कभी नहीं आ सकती। रिया, रिया इसे मारने से कोई फायदा नहीं। नीचे रखो चाकू, नीचे करो चाकू रिया। यस आओ मेरे पास। Thank you.
आज रिया का जन्मदिन है। आज के दिन उसने मुझसे जो कुछ भी मांगा मैंने उसे दिया, लेकिन इस हालत में मैं उसे क्या दे सकता हूं? अगर रिया पे किसी बात का असर होता है तो जब वो तुम्हारा नाम सुनती है, अगर आज एक बार वो तुम्हें देख ले तो उसके लिए इसे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? मैं जानता हूं इतना सब होने के बाद मेरा ये पूछना ठीक नहीं, लेकिन अगर आपको कहो ऐतराज ना हो तो प्लीज। चलिए डॉक्टर से मिलकर आता हूं। ओके। तू मेरा बेटा सेतु है ना? देखो तो कौन आया? देखो रिया, रिया
For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.